welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Today I want to share with you ultimate solution for hair spa and how to do hair spa at home. I'll definitely talk about that today on today's video. Okay, so yeah, let's get started. So sabse pehle aap log dekh lo ki maine yahan par rakha hai L'Oreal ka cream bath, that means hair spa ka main cream. Theek hai, so this is the product. Just look at the packaging, ये कितना अच्छा एकदम डब्बा टाइप का है और ये ह्यूज क्वांटिटी में आती है दोस्तों. इसकी क्वांटिटी है 490 ग्राम. तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये अगर आपने खरीद लिया है एक बार तो आप कितने टाइम तक यू नो पैसे सेव कर पाओगे, अपने हेयर स्पा खुद ही कर पाओगे घर पे, वो कैसे मैं आपको बता दूंगी. लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि L'Oreal के जो ये हेयर स्पा के डब्बे होते हैं, लाइक हेयर स्पा होते हैं, तो इनमें डुप्लीकेट भी मार्केट में अवेलेबल है. सो बी अवेयर गाइज. लेकिन अगर डुप्लीकेट है तो आपको यू नो यू कैन नो हाउ टू रिकग्नाइज द डुप्लीकेट वन एंड द ओरिजिनल वन. आपको मालूम ही नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट है इसकी पैकेजिंग डुप्लीकेट की और ओरिजिनल की. सो दैट इज़ द पॉइंट. सो मैंने इसको परचेस की थी अमेजोन से एक साल पहले. ठीक है, एंड या इससे पहले मैंने एक और परचेस की थी, वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस की थी, वो भी ठीक ठाक ही था. ये भी बहुत अच्छा है. आई होप कि ये डुप्लीकेट नहीं है. सो या एंड दिस इज फॉर रिपेयरिंग क्रीम बाथ with water lily for damaged sensitized hair. So मैंने अपने हेयर पे कलर है, मेरे हेयर पे कलर है, हाईलाइटिंग है लाइक एंड स्ट्रेटनिंग भी है. सो मेरा हेयर डैमेज तो नहीं है, बहुत सही कंडीशन में है मेरा हेयर. सो मैं पार्लर में जाके हेयर स्पा लेती हूँ मंथ में एक बार और कभी कभार मैं इसे भी यूज़ कर लेती हूँ. ठीक है, सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड पीछे सब कुछ मिल जाती है. एंड इसका प्राइस है 999 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपीज़. सो इफ़ यू आर गेटिंग 1000 रुपीज़ फॉर ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रॉब्लम क्या है, है ना. एंड आप बहुत बार यूज़ कर पाओगे, आपकी लेंथ मेरी जैसी हो तो आप बहुत बार भी यूज़ कर पाओगे. लाइक मेरा लेंथ है यू नो मिड लेंथ है, मैंने कट कर लिया है मेरे हेयर को एंड कमर तक ही आती है मेरी हेयर. मैंने उसको थोड़ा सा कट भी कर लिया है. तो आपका हेयर मेरी जैसी है तो आप बहुत बार यूज़ कर पाओगे. ठीक है, एंड या यहाँ पर लिखा हुआ हेयर स्पा एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. यू कैन सी मैंने इसको हाफ से भी ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एंड एक प्लस पॉइंट ये है, अगर आप घर पे ही स्पा करोगे तो आप जितना चाहे प्रोडक्ट यूज़ कर पाओगे. एंड पार्लर में क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट डालते हैं एंड उसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है छोटा मोटा पार्लर में, वो लोग सीरम को मिक्स करके लगा देते हैं. स्कैल्प में भी सीरम को मिक्स करके लगा देते हैं, बट दैट इज़ नॉट यू नो राइट थिंग. बिकॉज सीरम हमें कभी भी स्कैल्प में अप्लाई करोगे तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों. सो इसके पीछे भी लिखा हुआ है, इस डब्बे के पीछे भी लिखा हुआ है कि मिक्स दिस विथ कॉन्सेंट्रेट. L'Oreal की आती है कॉन्सेंट्रेट, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होती है. तो कॉन्सेंट्रेट को अलग से परचेस करना पड़ता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है. छोटे छोटे कांच के डब्बे में आती है कॉन्सेंट्रेट. सो इफ़ यू हैव डैंड्रफ ऑन योर हेयर उसके अलग से कॉन्सेंट्रेट आती है. इफ़ यू हैव यू नो वेरी फ्रिजी काइंड ऑफ हेयर, ड्राई डैमेज, तो उसकी भी अलग से कॉन्सेंट्रेट आती है. सो कॉन्सेंट्रेट्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर हेयर. सो वो चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा यू नो रिसर्च करना पड़ेगा आपको, नहीं तो पार्लर वाले आपको यू नो उल्लू बना देंगे. सो मेरे साथ भी ऐसा होने वाला था लेकिन मैंने पकड़ लिया. सो मैंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा बस 5 to 6 चम्मच उन्होंने ये वाला प्रोडक्ट डाल दिया है और उन्होंने सीरम लगा लिया. सीरम से उसको मिक्स करके हेयर में लगाना चालू कर दिया. तो मैंने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया,
ठीक है, तो सीरम तो हमारे स्कैल्प के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, हेयर के लिए अच्छा है लेकिन स्कैल्प में जाएगा तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर फॉल एंड ऑल वो सब चालू हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर मुझे झाड़ दिया एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ओके, सो क्वालिटी इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो आप लोग घर पे ही परचेस कर पाओगे 999 रुपीज़ में, 1000 रुपीज़ में अगर आप परचेस कर लो तो आप कितने बार यूज़ कर पाओगे? एंड पार्लर में आप जाते हो तो एक बार में ही 1000 रुपये तो आपके लग ही जाते हैं अगर आप लॉरियल के ये वाला स्पा करते हो तो। लेंथ वाइज है आई नो, एंड या सो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक ऑनलाइन से परचेस करने के बाद भी ये थोड़ा सा मुझे डाउट था कि ये जेन्युइन आएगा या फिर डुप्लीकेट आएगी, क्योंकि यू नो मार्केट में डुप्लीकेसी तो बहुत है। सो यू कांट रिकोगनाइज दिस ओरिजिनल प्रोडक्ट विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि जो लोग डुप्लीकेट बनाते हैं तो एग्जैक्ट सब कुछ वो कॉपी कर लेते हैं, आई डोंट नो हाउ। एंड मैंने सब कुछ देख लिया था, लॉरियल प्रोफेशनल स्पेलिंग वगैरह सब कुछ मैंने चेक कर लिया था, फिर भी आई नो दिस इज ओरिजिनल प्रोडक्ट, मुझे लगा ये ठीक है। एंड इसकी खुशबू तो बाय गॉड इट्स ऑसम, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी दोस्तों। लाइक आप जब लगाओगे तो पूरे घर महक उठेगा, इतना बढ़िया खुशबू है। एंड एक बात मैं आपको छोटा मोटा टिप्स देना चाहूँगी, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगी उसमें ना ग्लिटर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है? ये जब ये हाथ नहीं लगा सकते हो आप, ये हाथ लगाओगे तो खराब हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज़ अ ड्राई स्पून टू टेक आउट द प्रोडक्ट, हाथ मत लगाओ ठीक है, कुछ भी कंडीशनर वगैरह मास्क एंड ऑल आप लोग हाथ मत लगाइए, वो आप ड्राई स्पून्स के साथ प्रोडक्ट को बाहर लेके आइए तो वो प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी फंगल इन्फेक्शन टाइप का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? सो ये जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, दिस इज टोटली नॉर्मली क्रीम लाइक यू नो प्रोडक्ट। लेकिन जो डुप्लीकेट होता है उसमें ना छोटा छोटा लाइक यू नो बहुत ही टाइनी टाइनी शिमर टाइप का प्रोडक्ट उसमें मिला हुआ होता है, तो इससे तो एक बात पता चलती है दोस्तों कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ओके, सो इफ यू आर यूजिंग इट एट योर होम, हाउ टू यूज इट लेट मी एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ दोस्तों। आपको पहले शैम्पू कर लेना है बहुत अच्छे से आपके फेवरेट शैम्पू के साथ, और अगर आपके पास ये लॉरियल का यू नो स्पा वाला शैम्पू है देन इट्स टोटली फाइन। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी शैम्पू आप उसके साथ शैम्पू कर लो अच्छे से, एंड देन आप थोड़ा सा टॉवल से ड्राई कर लो एंड देन आप इसको चम्मच से के साथ एक बोल में निकाल ले। एंड अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेट हो लाइक अगर आपने परचेस की है देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आपके पास नहीं है जैसे कि मेरे पास नहीं है ठीक है, मैंने उसको परचेस नहीं की थी बिकॉज आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन माई हेयर, आई डोंट हैव एनी डैंड्रफ एंड ऑल, सो मैंने परचेज नहीं की थी। सो अगर आपके हेयर में कुछ भी वैसा प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मली करना चाहते हो एज अ मेंटेनेंस, ओके, सो कुछ भी मत यूज़ करो, सीरम वगैरह मत यूज़ करो स्कैल्प के लिए। इसको अच्छे से फैट कर आप हेयर में और स्कैल्प में लेंथ में सब जगह अच्छे से पार्टीशन वाइज लगा लो ठीक है। जस्ट अप्लाई इट इवनली ऑल ओवर योर हेयर एंड स्कैल्प एंड जस्ट गिव अ नाइस मसाज। ओके, बहुत अच्छे से आपको मसाज देनी पड़ेगी लाइक 5 to 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा मसाज करोगे तो हेयर फॉल होना चालू हो जाएगी ठीक है। एंड अच्छे से मसाज करो, तब तक मसाज करना है जब तक ये जो क्रीम है ये हेवी क्रीम पूरा ट्रांसपेरेंट होके आपके हेयर में अब्जॉर्व हो जाए, तब तक के लिए आपको मसाज करना है ठीक है। एंड या और बहुत ज़ोरों से आप रगड़ो मत, क्योंकि हेयर है कोई मशीन तो नहीं है, आपको बहुत अच्छे से प्यार से इसको करना है। एंड आफ्टर डूइंग दैट यू हैव टू रैप योर हेयर विथ योर सेलोफिन पेपर। सेलोफिन पेपर किचन में भी होते हैं हमारे, प्लास्टिक के जो पेपर्स होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो गाइस दिस इज द सेलोफिन पेपर, अगर आपको नहीं मालूम तो ये है सेलोफिन पेपर, ये हम किचन में भी रखते हैं, हमारे किचन के वर्क के लिए काम आती है। एंड इसे आप रैप कर लो, एक बन बना लो ठीक है, आफ्टर मसाजिंग आप बन बना के इसको रैप कर लो हेयर को। ये इसलिए मैंडेटरी है दोस्तों ताकि
यू नो आपने जो क्रीम अप्लाई किया हुआ है वो ड्राई आउट ना हो, अगर वो ड्राई आउट हो जाता है देन आपका हेयर जो है वो और ज़्यादा रफ एंड फ्रिजी लगने लगती है, सो वो ड्राई आउट नहीं होनी चाहिए, आप पेपर को अप्लाई कर लो, ठीक है। इजीली वो अवेलेबल होती है हर जगह, आप थोड़ा सा ढूंढ लो और घर में है तो वो वेरी नाइस, ओके। सो आप इस तरीके से उसको यू नो 15 मिनट्स तक रख सकते हो या फिर 20 मिनट्स तक भी रख सकते हो। आफ्टर दैट आपको फिर से हेयर को बहुत अच्छे से वॉश करना है, टेक योर ओन टाइम एंड जस्ट वॉश एवरी क्रीम, ओके, एंड वेरी नाइसली, लाइक जब तक यू नो आपका हेयर बहुत लाइट वेट हो जाएगा आप फील कर पाओगे, कुछ भी थोड़ा सा भी क्रीम नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, क्योंकि हम जब सैलों में जाते हैं या फिर पार्लर में जाते हैं तो हमारे लिए तो वैसा करने वाला कुछ होता नहीं, आप सिर्फ सोते रहते हो और वो लोग हेयर को वॉश कर देते हैं, लेकिन घर में करते हो तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो अच्छे से आप वॉश कर लो, फिर नॉर्मल से आप जैसे सीरम लगाते हो ट्रैवल ड्राई के बाद वैसे ही सीरम लगा सकते हो। अब अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा रफ है, फ्रिजी है, आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा क्रीम बात ले लो, लाइक स्पा की क्रीम ले लो एक बोल में, एंड आप स्कैल्प में सीरम वगैरह नहीं अप्लाई कर सकते, अकॉर्डिंग टू मी आप थोड़ा सा सीरम उसमें डालो, 1 to 2 tablespoons सीरम डाल के उसे अच्छे से फैट लो। फैटने के बाद आप सिर्फ लेंथ में अप्लाई करो, लेंथ स्कैल्प में अप्लाई मत करो, सीरम डाला है तो स्कैल्प में सिर्फ आप ये क्रीम लगा सकते हो, एंड वो जो क्रीम मैंने बताया आपको सीरम के साथ वो आप हेयर में लगा लो, फुल हेयर में अच्छे से मसाज करो, सेम टेक्निक, ठीक है, सेलोफिन पेपर एंड ऑल, स्टीमिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सेलोफिन पेपर ही लगा लो, ठीक है। सो या सो बहुत इजी है दोस्तों, आप लोग चाहे तो घर में भी ट्राई कर सकते हो, 1000 रुपये में आप बहुत बार ट्राई कर पाओगे, अगर मनी बचाना है तो, पैसे बचाना है तो, एंड प्रोडक्ट भी आपको सही से मिल जाएगी, एंड या और अगर आप सैलों में जाके उनके हाथों से मसाज लेना चाहते हो वो भी ठीक है, वो पॉइंट भी ठीक है, ठीक है। सो या दैट वाज फॉर टुडे फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड उसके पास एक प्यारा सा घंटी आपको दिखेगी, प्लीज प्रेस दैट, क्योंकि मैं रोज वीडियोस डालती हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब वीडियो डाली है, ठीक है। सो डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर जबरदस्त करो दोस्तों, ताकि मेरा जो वीडियो है वो फैल जाए। सो या सी यू सून गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट स्टे नाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।